नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं जम्मू परिवर्तन। मैं हूं आपके साथ नरेंद्र सिंह ठाकुर। स्वागत की बड़ी खबर आपको बता दे चले कि होटलों में जो है वो जुए के अड्डे जो है वो यानी कि हाईटेक अड्डे जो है वो चल रहे हैं और एक कमरे का भी जो है वो 5,000 रुपया जो है वो लिया जा रहा है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना और आपको खबर जो है वो आप लोगों तक तफसील से पहुंचाएंगे, लेकिन कभी ना कहीं ना कहीं खबर जो है वो हैरान कर देने वाली है कि होटलों में जुए के हाईटेक अड्डे जो है वो चल रहे हैं और एक कमरे का 5,000 रुपया जो है वो लिया जा रहा है, लेकिन पुलिस को इस हवाले से खबर तक नहीं है। पूरी खबर आप लोगों तक बता दें कि नेशनल हाईवे के होटलों में जो है वो हाईटेक जुए के अड्डे चल रहे हैं और शौकीनों के लिए इन अड्डे पर जो है वो जुए के साथ साथ खाने पीने का इंतजाम भी जो है वो इसमें रहता है और यहाँ पर रोजाना लाखों रुपए जो है वो यहाँ पर जो है वो दाव पर लग रहे हैं और सुखदार के इन जुए के अड्डों पर जो है वो आने वाले जो भी लोग जो है वो यहाँ पर बाकायदा जो भी लोग वहाँ पर जुआ खेलने के लिए आते हैं तो उनके लिए सिक्योरिटी की पूरी जो है वो गारंटी दी जाती है और इसके साथ ही उनसे मोटी रकम जो है वो वसूली जा रही है। सब कुछ जानते हुए भी पुलिस जो है वो खामोश बनकर हाथ पे हाथ धरे बैठी है और कोई भी किस तरह की कार्रवाई करने की हिम्मत जो है वो नहीं जुटा पा रही है। लेकिन शहर के ज्यादातर जुए के अड्डे जो है वो बदनाम हो चुके हैं, यहाँ पर जुआ खेलने में जो है वो पकड़े जाने और बदनामी का खतरा रहता है और इसी को देखते हुए जो है वो सुखदार जो बड़े बड़े लोग हैं उन्होंने जो है अब लग्जरी होटलों के कमरों में जो है अब जुआ खिलाने की जगह जो है वहां पर रखी है। और आपको बता दें कि कई जगहों पर जो है वो ये जुआ इस वक्त जो है वो खेला जा रहा है और 12 बजे से लेकर दोपहर के 12 बजे से लेकर जो है वो जुआ रात के लगभग 12 बजे तक चलता है और इसमें खाने पीने का पूरा इंतजाम होता है इन होटल वालों की जानिब से और सभी मोबाइल जो है वो पहले ही कहीं रखवा लिए जाते हैं ताकि कोई भी जुए की जो है वो इसकी जानकारी जो है वो किसी को नहीं दे पाए और मुखबरी जो है वो रोकने के लिए जो है वो इन फोनों को पहले से ही साइड पे रखवा दिया जाता है और 5,000 रुपये तक जो है वो कमरे का किराया और साथ साथ दूसरी जगह जो है वो गाड़ियां जो है वो पार्क करवाई जाती हैं। खाने पीने की पूरी हर तरह की सहूलियात वहां पर होती है और पूरी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी भी जो है वो इसमें यानी कि पूरी सिक्योरिटी की यकीन दहानी भी करवाई जाती है। 5,000 रुपये का एक कमरे का किराया और जो है वो लिया जाता है और होटल मालिक जुआ खिलाने के लिए एक कमरा जो है 5,000 रुपये में जो है वो दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं पुलिस पर ये सवाल निशान है कि नेशनल हाईवे से जितने भी वहां पर बड़े बड़े जो लग्जरी होटल हैं वहां से खबर सामने आ रही है यहां पर होटलों में जुए के हाईटेक अड्डे जो है वो चल रहे हैं, लेकिन पुलिस को इस हवाले से कोई भी खबर तक नहीं है और यहां जिन लोगों को खबर है भी है तो वो कोई भी किस तरह की कार्रवाई करने की हिम्मत जो है वो नहीं जुटा पा रहे हैं। लेकिन एक कमरे का 5,000 रुपया जो है वो किराए का लिया जा रहा है और सुबह 12 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक जो है वो ये जुआ वहां पर चलता है और खाने पीने का इंतजाम होटल वाले ही जो है वो करते हैं और सभी मोबाइल पहले ही जो है वो होटल वाले कहीं जगह पर जो है वो रखवा लेते हैं ताकि कोई भी जो है वो जुए की मुखबिरी जो है वो नहीं कर सके और मुखबिरी रोकने के लिए जो है ये फोन जो है वो किसी अलग जगह पर जो है वो रखवाए जाते हैं। साथ साथ 5,000 तक रुपये का जो है वो कमरा दिया जाता है और दूसरी जगह जो है वो गाड़ियां पार्क करवाई जाती हैं और खाने पीने की हर तरह की सुविधा वहां पर होती है। लेकिन सवाल कहीं ना कहीं पुलिस पर है कि आखिरकार ये जो है वो पुलिस यहां पर इतने बड़े बड़े दावे करती है लेकिन इन दावों के बीच जुए का काम इन हाईटेक होटलों में जो है वो जोरों शोरों से जारी है और कई सारे सवाल कहीं ना कहीं अब पुलिस पर भी खड़े हो रहे हैं। क्या इन बड़े बड़े होटल के जो ऑनर्स हैं क्या उनकी मिलीभगत पुलिस के साथ है या नहीं है? ऐसा तो इन इस पूरे मामले को देखकर तो यही लगता है कि शायद कहीं ना कहीं पुलिस के साथ जो है वो कहीं ना कहीं ये बड़े बड़े जो रसूखदार लोग हैं ये मिले हुए हैं तभी जाकर ये जुआ कहीं ना कहीं खेलने में ये लोग जो है वो कामयाब दिख रहे हैं। पूरी खबर नेशनल हाईवे कठुआ जिले के नेशनल हाईवे से थी। यहाँ पर होटलों में हाईटेक जुए के अड्डे चल रहे हैं और शौकीनों के लिए इन अड्डे पर जुए के साथ साथ खाने पीने का इंतजाम जो है वो होता है और यहाँ पर रोजाना लाखों रुपए जो है वो दाव पर लगाए जा रहे हैं और सुखदारों के इन जुए के अड्डे पर आने वालों को बाकायदा तरीके से सिक्योरिटी की गारंटी भी जो है वो दी जाती है और इसके साथ साथ मोटी रकम जो है वसूली जा रही है और इस सब को जानते हुए भी पुलिस खामोश तमाशे बनकर हाथ पे हाथ धरे बैठी है और जिससे कहीं ना कहीं ये लाखों रुपए जो है वो दाव पर लगाए जा रहे हैं। और आपको अक्सर आपने देखा होगा कि जुए में जो है वो कई लोगों की जाने भी चली जाती है, कई लोगों का मर्डर भी कर दिया जाता है। तो ऐसे में पुलिस को चाहिए कि वो जल्द से जल्द इन जुए के हाईटेक अड्डों पर जो है वो छापेमारी करे ताकि इस पर जो है वो लगाम लगाई जा सके। फिलहाल आप लोग इस पर अपने राय जरूर दीजिएगा। कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ नरेंद्र सिंह ठाकुर, जम्मू।